हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 साइंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसका उत्पादन कैसे होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है? उसके बारे में हम ये चैप्टर में पूरा डिटेल में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, तो लेट अस गो टू 10,000 BCE, 10,000 साल पहले तक की बात करें, तो उसमें अगर हम डिस्कस करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, तो हम यहाँ पे देखेंगे टिल 10,000 बिफोर क्रिश्चियन एरा पीपल वेर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? वो एक जगह पे नहीं रहते थे, मतलब को उनको फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता था, ठीक है? दे वर वांडरिंग इनटू ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड के लिए और शेल्टर के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करना ही पड़ता था। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो उनको पहले इतना अच्छी तरह से फूड नहीं मिल जाता, तुरंत नहीं मिल जाता जितना हमें आज मिल जाता है, ठीक है? तो उनको एक जगह से दूसरी जगह के पे जाना पड़ता था, ठीक है? एंड दे हैव टू वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू गेट देयर फूड। सो दे एट रॉ फूड, जो रॉ मतलब के कच्चा खाना खाते, फ्रूट्स मिल जाए, वेजिटेबल्स मिल जाए, वो सब जो होता है रॉ रॉ मटेरियल ही वो लोग खाते थे। एंड दे आफ्टर उसके बाद उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया, बिकॉज हंटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। वेजिटेबल फ्रूट्स उनको शायद मिल भी जाए लेकिन हंटिंग करने में खतरा भी रहता था। तो ऐसी उनकी लाइफस्टाइल थी। कब? अप्रोक्सीमेटली बिफोर 12,000 ईयर्स पहले तक की बात करें तो। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर बाद में उनको लगा कि भाई ये तो बहुत झंझट वाला काम है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई ये क्रॉप्स एक ही जगह पे लैंड में प्रोड्यूस किया जाए। राइस फिर उन्होंने उगाने शुरू की, वीट उगाने शुरू किए, फिर उधर दूसरे फूड क्रॉप जो उनको अच्छे लगते थे वो उगाने शुरू कर दिए। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। बाद में एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, उसके पहले एग्रीकल्चर नहीं करते थे वो लोग, वॉन्डरिंग लाइफ ही जीते थे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई, मतलब कि आज से 10,000 साल पहले की बात हो गई, ठीक है? आज की बात करें तो आज इतना हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन अभी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है, ठीक है? हमें आजकल थोड़ा बहुत फूड प्रोडक्शन शेल्टर मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन फूड तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? आजकल लोगों को मतलब कि इतना पॉपुलेशन हमारे इन कंट्री का, आज का वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन आप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का भी पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि उसको मतलब कि लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर, उनकी फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा फूड का प्रोडक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है? और रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन तो कर लिया, उसको मैनेज कैसे करना, लोगों तक कैसे पहुंचाना, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? सो वी विल डिस्कस दैट ऑल द नेक्स्ट स्लाइड, ओके? तो लेट अस सी इन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखते हैं क्या गोइंग ऑन। सो पहले बात करते हैं क्रॉप्स की। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो पहले डेफिनेशन क्रॉप्स का देख लेते हैं। क्रॉप का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो क्रॉप है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट, ठीक है, एक ही तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, एक ही जगह पे उगाए जाते हैं, ठीक है, एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, उसमें से कल्टिवेशन होता है, उसमें से अनाज के दाने वगैरह निकाला जाता है, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, इसको एक ही जगह पे उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल पे, ठीक है? अब जंगल में सपोज आप देखेंगे तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, वहां पे भी तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन क्या हम उसको क्रॉप्स बोलेंगे? नो, बिकॉज दे आर नॉट क्रॉप्स, बिकॉज वहां पे एक ही तरीके के आपको क्रॉप देखने को मिलते हैं जंगल में, नो। तो कहाँ पे आपको एक ही तरीके के क्रॉप्स देखने को मिलते हैं? फार्म्स में। फार्म्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखोगे तो आप वहाँ पे उगाए जाते एक ही तरीके के प्लांट। यहाँ पे देखिए, ये फार्म का मैंने ये पिक्चर रखा हुआ है, यहाँ पे कॉर्न है, मकई का पूरा खेत है, एक ही टाइप का हो। जंगल में आप जाओगे तो एक इस तरह से दिखाई देगा, नो। सो दे आर नॉट कॉल्ड क्रॉप्स, बट दिस आर कॉल्ड क्रॉप्स बिकॉज दे आर कल्टिवेटेड एट सिंगल, मतलब एक ही प्लेस पे, और वो भी
लार्ज स्केल पे ज्यादा तादाद में उगाए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होती है, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे कंट्री जो इंडिया है उसमें सीजनल चेंजेस बहुत आते हैं, तो सीजनल चेंजेस के हिसाब से क्रॉप्स की भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी क्रॉपिंग पैटर्न्स होती हैं, लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज खरीफ क्रॉप। पहले हम खरीफ क्रॉप के बारे में देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रेबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन दिस खरीफ क्रॉप एंड रेबी क्रॉप। ये है सोन इन रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप आप देखोगे तो रेनी सीजन में स्पेशली उगाया जाता है, रेनी सीजन में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो दैट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एंड व्हाट आर रेबी क्रॉप, दे आर सोन इन विंटर सीजन, आफ्टर रेनी सीजन, विंटर सीजन में ये उगाए जाते हैं। और इसका मंथ कौन सा होता है, आपको पता ही होगा, रेनी सीजन हमारे इंडिया में कब होती है, जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर में होती है। ठीक है, और ये जो विंटर सीजन है, वी नो दैट अक्टूबर टू मार्च, हाँ एक मतलब कि कुछ दिन इधर उधर हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ थिंग टू बी डिस्कस हियर। देन कम्स एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स आई ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, उसके बारे में भी देख लेते हैं। और अब ये है पैडी, पहले पैडी दिया हुआ है, फिर मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। पैडी एक्चुअली देखा जाए तो पैडी किसे कह सकते हैं हम, राइस, जिसमें से राइस प्रोड्यूस होती है। फिर एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, दैट इज मेज, वी हैव डिस्कस मेज, जिससे मकई, जिसको मकई बोलते हैं, कॉर्न बोला जाता है। फिर सोयाबीन है, सोयाबीन एक्चुअली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फॉर प्रोटीन, एंड उसमें से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्राउंड नट और कॉटन के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा देखते हैं हम आगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं आप, सोयाबीन का मैंने बनाया हुआ है, पेस्ट किया है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सोयाबीन। देन लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल्स ऑफ रेबी क्रॉप्स। रेबी क्रॉप्स के कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, वीट है, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है, अब मस्टर्ड क्या होता है, जिसको हम राई बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। ठीक है, उसमें से भी ऑयल मतलब के फूड में यूज होता ही है उसको। वीट, ग्राम, पीस के बारे में तो आपको पता ही होगा। लिनसीड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन पिक्चर ऑफ लिनसीड। लीन सीड एक्चुअली जो होता है, ठीक है, वो लीन सीड जो होता है वो गुड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, और डायबिटिक पीपल जो होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको फूड आइटम्स में ये लोग मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, उसको यूज किया जाता है एज अ फूड लाइक दैट वे। देन कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोड्यूस करने होते तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर्स भी आप देखेंगे, मैं जूम भी करूंगा बाद में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल प्रिपेयर होती है, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज। It is in a sequence, it has been arranged over here. So we will discuss about first, we will okay. Then comes agriculture implementations. What are agriculture implementations? That also we will discuss. आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आपको एग्रीकल्चर करना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, कुछ उल्टा सीधा तो होगा नहीं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आपने जो प्लानिंग की है उसको यू हैव टू पुट इन टू प्रैक्टिस। उसके लिए पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को पहले प्रिपेयर करना है एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, टूल्स, और उसमें टूल्स यूज करने का कारण क्या है। टूल्स यूज टू ब्रेक सॉइल क्रम्स। क्रम्स मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसको
तोड़ना होता है, ठीक है। वो क्रम्स अगर टूटेंगे नहीं तो उसमें सीड्स को प्रॉपर ऊपर मिट्टी ढकेगी नहीं, और ढकेगी नहीं तो क्या हो सकता है कि उसमें मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाए, हवा से उड़ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर उसको बर्ड्स खा जाएंगे, ठीक है। तो उसको ब्रेक करके उसको लेवलिंग करना जरूरी है। देन कम्स द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर, उसके लिए पर्पस, ये जो पर्पस है, ठीक है, ये सॉइल के क्रम्स ब्रेक करने का, उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो कौन से देखते हैं। पहले तो ये ट्रेडिशनल मेथड से यूज होता है, वो है प्लो। प्लो तो आपने देखा ही होगा गाँव में, ये बुलॉक्स आर यूज, ठीक है, दिस इज नोन एज, ये जो है बीम, बीम यू कैन सी बीम हियर, ठीक है, इसको बीम बोलते हैं। देन प्लो शेफ मतलब कि ये बड़ा सा हैंडल जैसा होता है, ठीक है, वो अटैच होता है बीम के साथ और नीचे प्लो शेयर के साथ। प्लो शेयर बहुत शार्प चीज होती है, वो पूरी मिट्टी को उखाड़ देता है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्ट को वो उखाड़ रहा है, ठीक है। सो वहां पे एक खड्डे जैसा होता जाता है लाइन में, और फिर उसमें सीड्स उगाए जाते हैं, या तो फिर वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये मिट्टी पूरी जो जमी होती है एकदम ठोस होती है, उसको लूज किया जाता है। देन ये हो है, दिस इज हो। अब ये भी देख सकते हैं इसके जैसा ही, ऑलमोस्ट प्लो जैसा ही है, ठीक है, पर इसमें भी एक बीम है, यू कैन सी बीम हियर, यहाँ पे भी बीम था जो कि यहाँ पे बुलॉक्स अटैच किए जाते हैं, यहाँ पे ये जगह पे बुलॉक्स को अरेंज किया जाता है, फिट किया मतलब के बांधते हैं उन लोगों को। देन ये है हैंडल, और ये ग्रीप, ये ग्रीप जो होती है, फार्मर्स होल्ड दिस वन, फार्मर उसको होल्ड करता है और फिर उसमें प्रेशर देता है, ऊपर से इसको प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वजन लगे, और वजन से ये पूरी मिट्टी यहाँ पे खोद सकते हो, यहाँ पे ये पूरी मिट्टी लूज हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज हो। हो भी एक प्लो जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसमें यूज होता है प्रिपरेशन, सोइल प्रिपरेशन में। देन कम्स कल्टीवेटर, ये मॉडर्न टेक्निक वाला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में ट्रैक्टर के पीछे इसी तरह के प्लो शीट्स लगाए जाते हैं जिससे मिट्टी पूरी उखड़ जाती है और लूज हो जाती है, और ये प्रोसेस पूरा बहुत स्पीडी होता है बिकॉज मशीन यूज होते हैं और टाइम कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होता है, फटाफट हो जाता है, सो आपका टाइम बचता है। तो आजकल ये मॉडर्न मैथड ट्रैक्टर्स यूज होते हैं और बड़े बड़े मशीन आ गए हैं जो ये यूज किए जाते हैं इसमें। देन कम्स सोइंग। सोइंग मतलब कि कोई भी सीड्स को उगाना। अब सीड्स उगाने के लिए आपको पहले तो क्या चाहिए फॉर ग्रोइंग गुड सोइंग। एक्चुअली देखिए सोइंग का मीनिंग, उसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को प्लांट करना पड़ता है। देन फॉर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी एंड हाई यील्ड गिविंग सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अगर सीड को उगाना है तो कोई भी एकदम खराब क्वालिटी के सीड चलेंगे नहीं। आप समझ सकते हो, अगर खराब क्वालिटी के सीड उगाएंगे तो पहले तो उगेंगे नहीं, और उगेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि फॉर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी एंड हाई यील्डिंग गिविंग सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। कैसे सीड सिलेक्ट किए जाते हैं? गुड क्वालिटी के, क्लीन साफ सुथरे, फिर हेल्दी और हाई यील्ड, ऐसे सीड जिसको उगाने से बाद में से उसमें जो पौधा उगेगा तो उसमें से जो सीड निकलेंगे वो भी बहुत सारी क्वालिटी के होने चाहिए। दैट इज नोन एज गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो लेट अस नो द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब सीड को उगाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो हम देखते हैं। देन कम्स सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला तो है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, ठीक है, ये भी बुल्लॉक की मदद से ही यूज किया जाता है, बुल्लॉक ही इसमें यूज होते हैं। इसमें भी पर क्या होता है, एक्चुअली ये प्लो नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल टूल में, इसको इसमें क्या होता है, पाइप होती है, एक सीड फनल होता है एंड शार्प एंड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फनल जैसा है, फनल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प पॉइंटेड चीज होती है जिसको प्लो हमने यूज किया था, ठीक है, उसके जैसा ही होता है यहाँ पे। आगे जैसे ये बुल्लोक आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे ये खड्डा यहाँ से वो खोदता खोदते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और पीछे से यहाँ पे ये जो फार्मर लोग पीछे चल रहे हैं उसमें सीड डालेंगे तो ये पाइप थ्रू इट विल गो ऑन एंड उसमें गिर जाएंगे, वो जो यहाँ से खड्डा पूरा बना होगा लाइन में, ठीक है, फरो टाइप का, उसमें वो सीड्स गिरते जाएंगे और बाद में पीछे से
एक और फार्मर जो होगा वो पीछे से दूसरे ब्लॉक यूज करके वहां पे क्या करेंगे, मिट्टी को पीछे से ढकता आएगा, जैसे कि वो सीट खुले ना रहे। सीट खुले रहने से उस पे मतलब कि बर्ड्स आ सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, उसको प्रॉपर ज्यादा सनलाइट मिल जाएगी तो ड्राई भी हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे ट्रेडिशनल टूल्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड बहुत पुराने जमाने से ये यूज होता आया, ट्रेडिशनल मेथड। देन कम सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा कंटेनर है, ये बड़ा सा कंटेनर आप देख सकते हैं। ये कंटेनर में सीड पहले से डाले होते हैं, फार्मर ट्रैक्टर चलाता है, उसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं, ओनली फार्मर एंड द मशीन इज देयर। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरफ से, यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे ये जो ब्लॉक कार्ड में यूज हुआ था उसी तरह के बड़े बड़े मेटल्स के शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आगे मिट्टी को खोदते जाते हैं। और ये जो यहाँ से, ये जो देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे से सीड नीचे गिरते जाते हैं, ठीक है, सीड गिरते जाएंगे और वो जो लाइंस बनेगी, खोदी हुई लाइंस बनेगी, उसमें सीड गिरते जाएंगे और फिर पीछे से उसको ढका भी जा सकता है। वो पीछे से एक ट्रैक्टर होता है, या तो फिर इसी ट्रैक्टर से वो लोग ऐसा एडजस्टमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा वुडन का टुकड़ा रख देंगे, ठीक है, और इसके साथ वो लोग यहाँ पे बांध देते हैं इस तरह से। उससे क्या होता है कि ये इस पे एक, या तो फिर किसी को खड़ा रख देते, बड़ा सा वजन रख देते इसके ऊपर, ताकि ये सीट जैसे ही गिरेंगे उसके पीछे ये आएगा तो उसके ऊपर मिट्टी लग जाएगी और पूरे सीट ढकते जाएंगे, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और विद इन कुछ ही, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जबकि सीड ड्रिल ये जो मशीन है वो टाइम सेवर है। तो आजकल बड़े मशीन्स आ चुके हैं, उससे हमारा काम आसान हो गया, फार्मर का काम आसान हो चुका है। देन कम्स एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जितना जरूरी है सीड को उगाने में, जरूरी है जितना सीड हमें, पर उसके साथ मैन्योर भी हमें ऐड करना उतना ही जरूरी है। मैन्योर फर्टिलाइजर वो क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमारी फूड को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, उसी तरह से सॉइल में भी ऐसे न्यूट्रिशन होने चाहिए जिससे सीड्स जो उगाए हमने वो हेल्दी तरीके से उग सकते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो उसमें देखते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये जो है पहला वाला था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, इट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये। इनऑर्गेनिक मतलब कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वेस्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें सारे के सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर में। जबकि मैन्योर में क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द काउ डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। कैटल डंग मतलब कि जो गोबर वगैरह होता है प्लांट्स, या तो फिर उसके बाद जो प्लांट्स के रेसिड्यू, प्लांट का जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड ऑर्गन्स मतलब के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो यूजलेस सड़े हुए पार्ट्स, उसको डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब के सड़ना, ठीक है, वो इसमें यूज करके मैन्योर बनाया जाता है, ठीक है। देन फर्टिलाइजर में देखेंगे तो इट इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में ही बनाए जाते हैं, बिकॉज उसमें टोटली केमिकल यूज होता है, दैट कैन बी डन इन फैक्ट्रीज इटसेल्फ। नाउ प्रिपरेशन, दिस इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड ऑल्सो, फार्मर खुद फील्ड में ही इसे बना सकते हैं। कुछ महीने के लिए खड्डा खोद के उसके अंदर ये सारे काउ डंग जो होता है, काउ डंग देन प्लांट के रेसिड्यूज होते हैं उसमें डाल देंगे, और कुछ महीने के बाद वो लोग उसको हटा के वो मिट्टी को फिर सॉइल जो होती है उसके साथ मिक्स कर देते हैं। उसके मिक्स करने के बाद उस सॉइल जो होती है थोड़ी न्यूट्रिशियस हो जाती है। देन कम्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखेंगे, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मतलब कि क्या होता है, ह्यूमस के बारे में हम देखेंगे। तो ह्यूमस कब होगा, ह्यूमस इज अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब के डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड और तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं,
तो मैन्योर है वो किससे बना हुआ है? डिकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ कैटल डंग, प्लांट्स रेसिड्यू, बाय प्रोडक्ट्स, उस तरह से यूज होता है। इसलिए सॉइल में ह्यूमस को कौन ऐड करता है? मैन्योर ही ऐड कर सकता है, जबकि ये तो केमिकल से बना हुआ है, उसमें कोई एनिमल्स या प्लांट प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसमें ह्यूमस होता ही नहीं है, तो ये ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस भी बहुत जरूरी होता है सॉइल के लिए, जबकि फर्टिलाइजर में ह्यूमस होता ही नहीं है। मैन्योर में ये इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, पूरा ह्यूमस से ही बना होता है, तो ह्यूमस ऐड करता है, जबकि जो अच्छी तरह न्यूट्रिशन दे सकता है। देन अब बात करेंगे तो रिच, फोर्थ पॉइंट, रिच इन, इट इज रिच फर्टिलाइजर जो होता है, इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब में ये भरपूर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है? बिकॉज इसमें नाइट्रोजन भी डाला जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू ग्रो। प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है नाइट्रोजन से ज्यादा मिलती है, इसलिए केमिकल ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है। देन कम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसके लिए जरूरी होता है? उसमें इट इज इट डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेसिस, स्टोर एनर्जी इन सुगर, तो सुगर स्टोर करने के लिए फॉस्फोरस जरूरी होता है, ठीक है। और इसके बिना प्लांट का जो प्रोडक्शन साइकिल है वो खत्म ही नहीं होगा। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल खत्म करना है तो ये एक प्रॉपर अमाउंट में अगर आप फॉस्फोरस ऐड करोगे तो प्लांट्स अच्छे उगेंगे। देन कम्स पोटेशियम, पोटैश या पोटेशियम भी बोलते हैं उसको, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो किसकी वजह से हो सकता है? पोटेशियम की वजह से होता है। तो अगर वो स्टोमेटा प्रॉपर टाइम पे क्लोज होगा और ओपनिंग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेन देन होता है वो प्रॉपर टाइमिंग पे होगा, और उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रॉपरली हो सकता है, और प्लस जो उसका ग्रोथ होता है इसकी वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, तो ये हार्मफुल तो होते ही है। देन अगर मैन्योर की बात करें तो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर में ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो एक्चुअली उसकी भरपाई इसमें नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ा बहुत तो आजकल फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करते, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, ठीक है। दैट इज हार्मफुल टू द सॉइल ऑल्सो। देन कम्स एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, टेक मूंग और ग्राम, ग्राम या मूंग की जो सीड्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, तो जर्मिनेटेड होने चाहिए। जर्मिनेटेड मतलब आपको पता होना चाहिए, वो स्प्राउटेड बोलते हैं ना, स्प्राउटेड ग्राम्स होते हैं वो होने चाहिए। पर आप उसमें से आपको कैसे 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 3 या थोड़े बहुत इक्वल अमाउंट के आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसको क्या करना है, अच्छे क्वालिटी के, मतलब उसमें गारंटी, आपको ऐसा नहीं बोला है कंपल्सरी कि यू हैव टू सिलेक्ट 3 ओनली, यू कैन सिलेक्ट एनी गुड क्वालिटी के आप जर्मिनेटेड सीड सिलेक्ट कर लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे ग्लासेस हमने लिए हुए हैं, उसको ले लेना है, और उसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले बात की है, ग्लास ए की, उसके ऊपर आपको लेबलिंग कर देना है, ग्लास ए, उसमें क्या करना है, ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, इसमें आप थोड़ी सी सॉइल ऐड कर दीजिए, ऐड सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल काउ डंग, काउ डंग आपको यूज करना है, ठीक है, उसमें, और थोड़ी सी सॉइल यूज करनी है, फिर आपको उसमें सीड्स उगा देने हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है ग्लास बी की, उसमें आपको क्या करना है, ग्लास बी में आपको डालना है, यू हैव टू पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, जितनी सॉइल आपने ए में डाली थी उतनी सॉइल इसमें भी डालिए आप, पर इसमें आपको क्या मिक्स करना है, यूरिया, यूरिया मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइजर जो आपके बात की थी, ठीक है, वो वाला आप यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट कलर के गोल दाने वाला फर्टिलाइजर आता है, ठीक है, आप उसमें यूज कर सकते हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम नर्सरी वगैरह जो होते वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है, प्लांट नर्सरी। देन टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास 3, ग्लास 3 में भी आप सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डाल के सीड उगा देने हैं, तीनों में सीड तो उगाने ही हैं, ठीक है। देन विदाउट एडिंग, लेकिन सीड सॉरी ग्लास 3 जो है उसमें आपको क्या नहीं करना है, इट शुड यू शुड नॉट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। देन
आप फिगर 1.3 ए में देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस तरह से आपको प्रिपरेशन पूरा कर लेना है, ठीक है। देन नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब आपको इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सभी में, तीनों के तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, जितना इसमें डालते हो उतना ही इसमें तीनों में भी डालना है, तीनों के तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है। देन देन द सीडलिंग इन देम, नाउ कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days। ऑब्जर्व द, यू हैव टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ 3 seeds। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपको देख देख के पता चल ही जाएगा ये कौन सा वाला है, ग्लास ग्लास ए है, उसमें आपने हमने क्या डाला था, काउडम, ठीक है, इसमें डाला था केमिकल फर्टिलाइजर, इसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मिट्टी ही थी। तो देखिए इसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है, तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है, इसका सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, और इससे इसका है थर्ड नंबर का ग्रोथ है, इसका थोड़ा स्लो ग्रोथ है। इससे क्या पता चलता है कि केमिकल फर्टिलाइजर में बहुत सारे न्यूट्रिशन जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो होते हैं, जबकि काउ डंग होता है उसमें होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितने कि केमिकल फर्टिलाइजर में होते हैं। और उसमें सिंपल सॉइल होती है, उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, तो इसका ग्रोथ बहुत स्लो होगा, होगा तो भी बहुत कम होगा, ठीक है। पर एक्चुअली देखा जाए तो वी आर आई एम नॉट रिकमेंडिंग केमिकल फर्टिलाइजर, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। पर आजकल इतना सारे पॉपुलेशन का फूड प्रोडक्शन डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बीन यूज्ड हियर। देन कम्स एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेजेस होता है, ये खाद है, नेचुरल फर्टिलाइजर यहाँ पे बताया गया है, नेचुरल फर्टिलाइजर है ये, ठीक है, फार्म में बनाया गया है। उसका एडवांटेजेस क्या, क्या फायदा है, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, पानी उसके, ये ऐड करने से वो मिट्टी में पानी बहुत लंबे समय तक टिका रह सकता है, जो कि रूट्स सीड्स के लिए या प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। सूखी अगर नहीं होगा तो मिट्टी तुरंत सूख जाएगी और प्लांट मुरझा जाएगा। देन कम सेकेंड, इट मेक द सॉइल पोरस, ठीक है, वो सॉइल को पोरस कर देता है। पोरस मतलब क्या होता है कि उसमें वो थोड़ी लूज कर देता है सॉइल को, कौन, मैन्योर, ठीक है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, अंदर हवा भी तो आनी जानी चाहिए ना रूट्स तक, ठीक है, वो भी इजी कर देता है। देन कम्स, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर अंदर एयर है तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, बिकॉज उनको हवा की जरूरत होती है, पर यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। फ्रेंडली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब के जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। देन कम्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि मिट्टी कितनी बारीक होती है, कुछ मिट्टी बहुत ही बड़े बड़े कंकर आते हैं, कुछ मिट्टी होती है बहुत बारीक होती है और चिकनी होती है, तो उसकी सॉइल की जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा बना देता है, मतलब बारीक बना देता है, जिससे क्या होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और प्लांट का ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर से कम न्यूट्रिशन भले देता हो, लेकिन सॉइल के लिए बहुत ही फायदेकारक है। देन कम इरिगेशन। इरिगेशन को तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। कभी भी पानी चालू नहीं कर देना, रेगुलर इंटरवल पे जब थोड़ा बहुत मिट्टी सूखने लगे, प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है, तब पानी छोड़ा जाता है खेतों में, इस तरह से भेजा जाता है पानी को, इस तरह से अरेंज करके, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सबको इक्वल क्वांटिटी में पानी पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, जहां से पानी पहुंचाया जाता है, पहला तो है वेल्स, ठीक है, कुएं होते हैं, फिर ट्यूबवेल्स होते हैं, बोर्स, अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स होते हैं, देन पॉन्ड्स, देन कम्स लेक्स, देन रिवर्स एंड डैम्स, और डैम्स के थ्रू कैनाल्स होते हैं, कैनाल्स से भी पानी हमारे खेतों तक, फार्मरों को या कहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे पहुँचाया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ही बारिश की प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, तो कैनाल डैम्स में जो पानी होता है वो कैनाल्स के थ्रू फार्म्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, वरना तो वेल्स, ट्यूबवेल्स,
पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स का वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन। ये जो बंधा हुआ है ये ऊपर उठेगा और ये पत्थर का वजन से ये सीसो की तरह होता है, एक्चुअली डेकली होता है वो सीसो की तरह होता है, और फिर पानी पूरे फील्ड में पहुंचाया जाता है। देन कम्स चेन पंप्स, ये ह्यूमन इंसान इसको घुमाता है। ठीक है, ये घूमेगा लाइक दिस वे, तो अंदर का पानी इधर आएगा और देन इट विल फ्लो टू द फार्म। देन कम्स मोट, यहाँ तो पुली सिस्टम होता है, पुली सिस्टम से तो हमें पता ही, ये पुली से एक पुली होती है, यहाँ से खींच के पानी निकाला जाता है, फिर ये इसमें देखिए आप डाल रहे हैं इसमें, और पूरे पर ये बहुत ही, इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए पुराने मेथड में जब मशीन्स नहीं थे तब ये मेथड यूज किए जाते हैं। देन कम्स राहत लीवर सिस्टम, इसमें ये बुल या बुल्लो होता है वो पूरा घूमता रहता है, यहाँ पे ये रस्सी बंधी होती है इसके साथ। ठीक है, अंडरग्राउंड टाइप का थोड़ा सा नीचे से होता है और उससे ये पूरा घूमता है, यहाँ से फिर पानी पूरे खेतों तक पहुंचाया जाता है। और ये मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं फरोज, फरोज में बड़े ये पाइपलाइंस यहाँ पे अरेंज की होती है, यहाँ पे पूरा पानी फार्म्स में पहुंचाया जाता है हर एक। देन कम ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बहुत पानी की प्रॉब्लम होती है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये पाइप्स अरेंज किए जाते हैं पर पानी वहीं पे टपकता है जहाँ पे प्लांट का स्टेम या रूट्स, मतलब कि प्लांट के आसपास ही पानी टपकता है, ना कि सारी जगह पे। यहाँ पे पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। देन कम स्प्रिंकलर्स, फवारे टाइप का होता है, एंड दिस वन इज बेसिन। बेसिन मतलब कि ये तो मॉडर्न मेथड में आजकल यूज होता ही है वैसे तो, इसमें भी बेसिन बनाए जाते हैं, और जहाँ पे बेसिन का मतलब होता है वो पानी वहीं का वहीं रहेगा, और यहाँ पे क्रॉप्स उगे होंगे वो उसको जब तक जरूरत है तब तक पानी मिलता रहे, ये ज्यादातर राइस या पैडी के प्लांटेशन में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे मॉडर्न मेथड्स हैं एंड दिस आर ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड्स में तो मशीनरी पंप्स वगैरह यूज होते हैं और प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलता है। देन कम्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। देखो यहाँ पे ये जो है वांटेड प्लांट्स है, यहाँ पे जो उगाए और ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, इसको ये हमारे कुछ काम के नहीं, इसको निकालना जरूरी है, बिकॉज ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसका सारा न्यूट्रिशन ये लोग खींच लेते हैं। ठीक है, और इनके हिस्से में कुछ नहीं आता और ये खुद उग जाते हैं, और ये तो हमें कुछ प्रोडक्शन देते हैं नहीं, सो इसको निकालना जरूरी है ताकि हमारे ये जो क्रॉप्स है वो प्रॉपरली उग सकते हैं। तो वॉट इज वीड्स, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। नेचुरली उग जाते हैं, ठीक है, कहीं से उसके सीड आ जाते हैं तो यहाँ पे उग जाते हैं वो। देन द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, वीड को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। देन वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर तो आजकल, सॉरी केमिकल्स तो बहुत सारे यूज होते हैं, नॉट फर्टिलाइजर, केमिकल उसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स के ये के नाम है, 2 और 4D, ये दो टाइप के वीडिसाइड्स के नाम है, केमिकल्स आते हैं जिसको खेतों में छिड़कने से ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये सारे के सारे सूख जाते हैं और फिर इसको अलग करके निकाला जाता है। ठीक है, देन द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ सीड इज वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। अगर इसके फ्लावर और सीड निकलने लगे तो ये इसकी तादाद खेतों में बढ़ जाएगी और हमारे जो जरूरी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो कम दिखेंगे और चारों तरफ आप देखोगे तो वीड ही वीड दिखाई देंगे। ठीक है, जरूरत है कि उसको वो सीड, उसमें से फ्लावर उगने लगे या सीड निकलने लगे उससे पहले उसको निकाला जाए, वही अच्छा टाइम है, बाद में कोई फायदा। देन कम्स हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब क्या, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर, प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, फिर बाद में उसको हार्वेस्ट करने का प्रोसेस होता है। अब मतलब टाइम हो गया है कि अब उसमें से ये पक चुके हैं ये। देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शेफ, शेफ मतलब हस्क, इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, अब हार्वेस्टिंग इज डन आइदर डन बाय, वो बताता हूँ मैं एक मिनट आपको फोटो से, पहले तो बात करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, कटाई या तो आप सिकल से कर सकते हैं, दिस इज सिकल, और दूसरा होता है हार्वेस्टर और थ्रेसर, इसको हार्वेस्टर और थ्रेसर कहते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई होती है और थ्रेसिंग मतलब कि बोला कि मैंने कि
सीट को, वो जो कचरा होता है उसकी स्किन्स होती है, आप सीट के ऊपर स्किन दिखते हैं, उसको अलग करना होता है, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। वो भी जरूरी है ताकि फूड प्रोडक्शन, जो फूड हम जो हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम साफ सुथरा हो, ताकि मार्केट में उसको बेचने में प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज कचरा वाला जो होगा उसका वजन की वजह से आपका नुकसान बहुत सारा हो सकता है, तो वैसे भी वो फार्मर को ऐसा बेचता नहीं और हम लोग वो खरीदते नहीं, तो उसको साफ करना भी जरूरी है। जो थ्रेसिंग, ये थ्रेसर मशीन होता है उसको कर देता है, ये बहुत ही बड़े मशीन आते हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी फील्ड्स में ये यूज होते हैं। देन कम स्टोरेज, जितना फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो सब करना जरूरी है, प्रोडक्शन करना जरूरी, प्लोइंग जरूरी, सीडिंग हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ जरूरी, उतना स्टोरेज भी जरूरी। बिकॉज स्टोर आप अच्छी तरह नहीं करोगे तो सारा आपका आपके महीनों की मेहनत फार्मर की वेस्ट जा सकती है। तो इट इज डन, अब स्टोरेज क्या होता है, इट इज डन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब कि जो होता है क्या उसे कहते हैं, मतलब कि नमी जो होती है एयर में, उससे बचाना है। बिकॉज नमी से सीड्स उगने लगेंगे और सारा का सारा जो ड्राई सीड्स होते हैं, ठीक है, वो उगने लगेंगे और यूजलेस हो जाएंगे। देन कम्स इंसेक्ट से बचाना है उसको, रेट से बचाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हार्मफुल। सो स्टोरेज मतलब कि अच्छी इस तरह से स्टोर करना है हमें कि ये चीजें उस पर कोई इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। देन कम्स बिफोर स्टोरिंग, स्टोरिंग करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, सूखे हुए होना चाहिए। थोड़े से भी नमी वाले पानी वाले सीड्स अगर आपने स्टोर कर दिए तो बाद में वो सड़ जाएंगे, ठीक है, तो उसको सुखाते हैं सन में ताकि उसमें से पूरा मॉइस्चर रेड्यूस हो, मॉइस्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाद में उसको किस में भरा जाता है, गनी बैग्स में। गनी बैग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर गनी बैग्स, ठीक है। देन कम सिलोज, सिलोज मतलब कि बड़े बड़े ऐसे कंटेनर जैसे होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं ईटों से, और उसमें टेम्परेचर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर मैनेज करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक। वो अंदर का टेम्परेचर मॉइस्चर को बाहर फेंक देते हैं और अंदर का टेम्परेचर कंस्टेंट रखते हैं ताकि अंदर के सीड्स बिल्कुल भी वेस्ट ना, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो सिलोज आर ऑल्सो यूज हियर, ये मतलब के बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, गोडाउन भी बोल सकते हैं उसमें, जिसमें मतलब के उसको ये जो सब चीजें हमने देखी है उससे बचाया जा सकता है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। तो आप इसको एक बार टेक्स्ट बुक में से आप चैप्टर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। आप इसको बार एक बार और टेक्स्ट बुक में पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।